Good morning, student. I am Gunjan Chauhan. How are you all? I hope you are fine. Today we will read chapter 2, Me, Myself. आज हम EVS का second chapter पढ़ेंगे, Me और Myself. सबसे पहले आपको यहाँ पर एक activity दी हुई है, draw और paste a picture of yourself. आपको यहाँ पर अपनी picture बनाना है, या तो आपके पास photo हो तो paste कीजिएगा. क्वेश्चन पूछा उन्होंने, डू पीपल समटाइम्स टेल यू डैट यू लुक लाइक योर मदर और योर फादर. क्या आपसे भी किसी ने कभी कहा है कि तुम जो है वो अपनी मम्मी की तरह दिखते हो या तुम अपने पापा की तरह दिखते हो? अगर हाँ तो यस पे टिक कीजिएगा, अगर नहीं तो नो पे टिक कीजिएगा. ओके, लेट अस रीड अ स्टोरी टू अंडरस्टैंड डैट पीपल इन द सेम फैमिली मैं और मैं नॉट रिसेम्बल ईच अदर. आइए अब हम ये कहानी में पढ़ते हैं और समझते हैं कि जो एक ही फैमिली के जो लोग होते हैं वो सेम हो सकते हैं या नहीं. ठीक है, जैसे बहुत सारे बोलते हैं ना कि एक ही फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं वो एक जैसे दिखते हैं, इसमें ये सेम होता है. तो अब हम ये स्टोरी में पढ़ेंगे. ठीक है, वेदास फ्रेंड अमित हैड अ बेबी सिस्टर. वेदा वॉज इन्वाइटेड टू द नेमिंग सेरेमनी ऑफ द बेबी. अमित्स आंट्स एंड अंकल्स हैड ऑल्सो कम. वेदा के दोस्त अमित की एक बहन थी. वेदा उसकी सिस्टर के नामकरण समारोह में आमंत्रित किया गया था. अमित के आंटीज और अंकल्स जो थे वो भी आ गए थे. वन ऑफ द आंट सेड, ओ द बेबी हैज़ ब्राउन आईज जस्ट लाइक ऑल द गर्ल्स इन अवर फैमिली. उसमें जो से जो एक आंटी थी उन्होंने कहा, ओ बच्चे की भूरी आंखें हमारे परिवार के सभी लड़कियों की तरह हैं. वन ऑफ द अंकल सेड, The baby does not have any hair, just like the man in our family. फिर उसमें से एक अंकल ने कहा, बच्चे के बाल नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे परिवार में जो मैन होते हैं उनके नहीं होते हैं. Just then the baby smiled. फिर वो बच्चा मुस्कुराया. Looks at a cousin. She has dimples in her cheeks, just like her brother Amit. फिर उसके कजिन ब्रदर ने बोला कि देखो यह अपने भाई के जैसे उसके गाल में भी डिम्पल हो रहे हैं. वेदा ट्राइड टू लुक बट शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ द बेबी रिसेम्बल डिफरेंट फैमिली मेंबर्स टू हर. The baby just looked cute. वेदा ने देखने की कोशिश की लेकिन वह यह नहीं समझ पा रही थी कि बच्चा अलग अलग परिवार के सदस्यों जैसा कैसे है. उसके लिए तो जो वो बेबी था वो सिर्फ क्यूट था, उसे तो वो बच्चा केवल प्यारा लग रहा था. When she went home, she asked her mother अबाउट दिस. जब वह घर गई तो उसने अपनी मम्मी के से इसके बारे में पूछा. हर मदर एक्सप्लेन, समटाइम्स फैमिली मेम्बर शेयर कॉमन फीचर्स लाइक अ सिमिलर शेप ऑफ द नोज और द कलर ऑफ द आईज, बट इट इज नॉट ऑलवेज सो. सम फीचर्स ऑल्सो चेंज हैज वी ग्रो. लेकिन उनकी मदर ने उन्हें समझाया कि कुछ टाइम जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो अपने जो कॉमन फीचर्स होते हैं वो शेयर करते हैं, जैसे कि इसका तो नोज़ हमारे जैसा है, शेप ऑफ नोज़, इसकी तो आइस की कलर हमारे जैसी है, बट ये हमेशा ऐसा नहीं होता है. जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसके जो फीचर्स से बच्चे के वो चेंज होते जाते हैं. वेदास मदर प्राउड
out some family photographs and they had fun looking at them. They tried to find out what was similar and what was different among the different members of the family. वेदा की माँ ने फिर कुछ उनकी फैमिली फोटोज निकाली, ठीक है, और उन्हें देखकर मजा आया उन्हें, ठीक है। उन्होंने यह पता लगाने की भी कोशिश की कि जो परिवार के सदस्य हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो सदस्य हैं वो क्या समान है या अलग है, ठीक है। उन्होंने भी फिर उनके फैमिली मेम्बर्स की फोटोज देख के पता लगाया, ठीक है। तो इस चैप्टर से हमें क्या समझ में आया कि जो हमारी फैमिली मेंबर्स होते हैं हम कहीं ना कहीं उनके जैसे दिखते हैं, उनकी हैबिट्स हम में सेम रहती है, उनके मैनर्स, संस्कार, ठीक है। और जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो हमें कुछ कुछ चीज़ें जो है वो चेंज होने लगती है। तो जो हमारे सभी सदस्य होते हैं फैमिली के वो हमारे लिए स्पेशल होते हैं। ओके, थैंक यू।